भारत में निवेश की अपार संभावनाएं, भारत दक्षिण कोरिया बिजनेस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, भारत और कोरिया स्टार्टअप हब का किया शुभारंभ, सियोल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। फिलौर में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कई रेल परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फिलौर चेन्नई सेंट्रल पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। फिलौर में ऑल इंडिया रेडियो के एमएम स्टेशन का भी किया शुभारंभ। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई आज होगी पूरी। अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर भारत ने की पाकिस्तान की शिकायत। भारत की पाकिस्तानी सेना दावेद को रद्द करने और सिविल कोर्ट में मामले की निष्पक्ष सुनवाई की मांग। बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो का दूसरा दिन, तेजस के नाम सेना प्रमुख जनरल मेजर बिपिन रावत ने की तेजस विमान की सवारी। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित विमान को DRDO से कल ही मिला है फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस। ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप का आज दिल्ली में होगा शुभारंभ। केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर करेंगे शुरुआत। 23 से 27 फरवरी तक चलेगी प्रतियोगिता। सब्सक्राइब करें NBC हिंदी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।